अगर आप एक किसान हैं और आपने अपने खेत में धान की फसल बो रखी है और जो धान की फसल है वो आप सरकारी रेट में बेचना चाहते हैं, तो देखिए उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पर इसका समर्थन जो धान का मूल्य रखा गया है वो 2300 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है, यही आपका सरकारी रेट है। अगर आप सरकारी मंडी में जाके अपना धान बेचना चाहते हैं तो देखिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। उत्तर प्रदेश एवं खाद्य रसद विभाग की वेबसाइट है, यहीं पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा खरीद हेतु किसान पंजीकरण, आपको इसी बटन पर टिक करना होगा। देखिए पहले तहत ये पोर्टल बिल्कुल बदल दिया, पहले हमें डायरेक्ट जैसे क्लिक करते थे तो हमें सीधा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खुल जाता था, मगर अब यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब हमें यहाँ पे आधार से लॉगिन करना होगा। जैसे ही हम यहाँ पे आधार नंबर फिल करेंगे, कैप्चा कोड यहाँ पे फिल करेंगे, इस टर्म को एक्सेप्ट करेंगे, जैसे ही आगे बड़ी वाली बटन पर टिक करेंगे वैसे ही आपका डैशबोर्ड है आपका खुल जाएगा। और तो बड़ी बात है कि अगर आपने पहले कभी रजिस्ट्रेशन कराई होंगे, जितने भी आपने सरकारी रेट में कोई भी फसल बेची हो, चाहे धान हो, चाहे बाजरा हो, चाहे गेहूँ हो, तो देखिए आपका वहाँ पर रजिस्ट्रेशन शो हो जाएगा। और देखिए इस पर सारी जानकारी अगर आप अपनी ऑनलाइन करने के बाद सारी जानकारी चाहते हैं तो देखिए यूपी किसान मित्र एप्लीकेशन है, यहाँ पर आप सारी जानकारी देख सकते हैं, कब पैसा आएगा, PFMS के द्वारा कब भेजा जाएगा, सारी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर इसे लॉगिन कर ले रहे हैं आधार नंबर डाल के। तो देखिए यहाँ पर हमारा डैशबोर्ड लॉगिन होके आ चुका है। देखिए इन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं, ये देखिए पहले इन्होंने फसल बेची है, तो देखिए यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। एक देखिए अभी भी इन्होंने लंबे तय अभी कम्प्लीट नहीं हुआ, एक देखिए इनका सत्यापित हो चुका है। यहाँ पर देखिए कौन सी फसल बेची, एक गेहूँ का है, और ये देखिए 23-24 में धान का इन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था, वो देखने को मिल जाएगा। अगर आपके भी रजिस्ट्रेशन होंगे तो जरूर यहाँ पर शो होंगे, नहीं तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको खरीफ फसल ही सिलेक्ट कर देना, क्योंकि खरीफ की अब बिक्री स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पे खरीफ रहने देना। वर्ण वर्ष है वो 24 और 25 ही रहने देना। अब यहाँ पे अपनी फसल सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे जैसे ही आप धान सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी धान का ही रजिस्ट्रेशन चालू है तो धान ही मिलेगा, जब बाजरा का होगा तो बाजरा भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नवीन पंजीकरण या नवीनीकरण करें, आपको इसी बटन पर टिक कर देना है। देखिए पहले वाले पंजीकरण में आपके पंजीकरण में सिर्फ इतना ही फर्क है, अब आपको बार बार डिटेल फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका डेटा सारा पैसा ही कैप्चर कर लिया जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका आधार सत्यापित भी है, व्यक्तिगत विवरण भी आपका ऐड है, नॉमिनी डिटेल भी ऐड है, भूमि का विवरण भी ऐड है। केवल यहाँ पे आपको कितनी फसल आपको बेचनी है, कितनी क्विंटल में बेचनी है, वो सिलेक्ट करके आपको अपना फाइनल लॉक करना है बस। यहाँ पर देखिए आपकी सारी डिटेल आ जाती है। अब ये थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आना, अगर इसमें कोई नंबर या फिर आपको चेंजिंग करना चाहते हैं, मोबाइल नंबर बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं। उसके बाद आपको थोड़ा नीचे आना। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आप जो धान बेचना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर ही बेचना चाहते हैं, तो देखिए हम उत्तर प्रदेश के अंदर ही बेचेंगे, तो इसलिए यहीं पर टिक रहेंगे। अगर उत्तर प्रदेश बाहर बेचना है तो देखिए बाहर पर टिक करेंगे, आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, पर हम उत्तर प्रदेश में ही बेचेंगे, यहीं पर रहने देना। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लेना है, तहसील यहाँ से अपनी सेलेक्ट कर लेना है, क्षेत्र क्या लगता है, ब्लॉक एरिया क्या है आपकी, वो यहाँ सेलेक्ट कर लेना, गाँव का नाम क्या वो सिलेक्ट कर ले, और एरिया का पिन कोड क्या वो यहाँ पे अंकित कर देना है, और अपना पूरा पता यहाँ पे आपको फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे संशोधन करें एवं आगे बढ़ें, आपको इसी बटन पर टिक कर देना है। अब देखिए आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे लिखा है क्या आप धान बेचने हेतु परिवार के एक सदस्य को नामित करना चाहते हैं। देखिए जो धान है अगर आप स्वयं बेचना चाहते हैं, बेचने के लिए जाएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको डिटेल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन हमारे नाम हो और बेचने के लिए कोई और दूसरा आदमी जाएगा, तो देखिए यहाँ पे आपको उसकी डिटेल देनी होगी। जैसे आप हाँ कर देते हैं तो ये सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, आपको इन्हें डिटेल फिल करना है। यहाँ पर सदस्य पे आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना, मेल है फीमेल है, यहाँ पर संबंध क्या भाई बहन पिता पुत्री बेटा जो भी है अपना यहाँ संबंध सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर आधार नंबर फिल करके आपको संशोधित एवं आगे बढ़ें, आपको इस पर टिक कर देना है। अगर आप स्वयं बेचना चाहते हैं तो देखिए आपको ये डिटेल नहीं फिल करनी है, बल्कि आपको यहाँ पर इसी बटन पर टिक कर देना है। मैंने पिछली बार धान का रजिस्ट्रेशन किया था तो यहाँ पर भूमि ऐड की थी, वो डिटेल यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको ये डिटेल नहीं देखने को मिलेगी। तो देखिए हम आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको एक नई बटन मिलेगी, नई भूमि जोड़ें, आपको इसी बटन पर टिक कर देना है। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा, यहाँ पे तहसील देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे आपको अपना परगना सेलेक्ट करना, परगना आपको नहीं पता है तो आप अपनी तहसील में जाके पता कर लें। यहाँ पे अपने गांव का नाम सेलेक्ट कर लेना है, जो भी अपने गांव का नाम है वो सेलेक्ट कर लेना है। देखिए आपको अपनी फर्द उठानी है, जौन से खेत में आपने धान बो रखा है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी, यानी खसरा संख्या आपको देना है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे एक सबसे बड़ी यहाँ पे फायदा ये है, जैसे आप अपना यहाँ पे विलेज सेलेक्ट करेंगे तो आपके गाँव के अंदर जितने भी खसरा होंगे, जितनी भी पूरी लिस्ट यहाँ पे निकल के आ जाए, केवल आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करेंगे जैसे यहाँ पर आप टिक करेंगे, देखिए एक से लेकर जितने भी आपके खसरा पूरे गांव के होंगे टोटल लिस्ट निकल आएगी, आपको केवल सिलेक्ट यहाँ से कर लेना जो भी आपका लगता है। जैसे मान लो अगर आपका ये लगता है आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, आप देखिए यहाँ पर सारे किसानों के यहाँ पर नाम आ जाएंगे, केवल यहाँ पर अपना नाम आपको सिलेक्ट करना है। आपने जो खसरा यहाँ पर सिलेक्ट किया उसमें देखिए इतनी टोटल जमीन हो रही है, जितने भी कैंडिडेट हैं सभी के नाम यहाँ पर इतनी जमीन है, टोटल रकबा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। खसरा नंबर है यहाँ पर, आप दूसरा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे अपना नाम सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद देखिए आपको करना क्या है,
जैसे देखिए आप नाम सेलेक्ट करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर भूमि आ जाती है, किसान की उस फर्द में कितनी भूमि है वो अपने आप एक्सेप्ट कर ली जाए, आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। अगर आपने इतनी एरिया में धान बो रखे हैं तो आपको यही रहने देना, अगर नहीं बो रखे हैं तो आप इसे एडिट भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ज़्यादा तो खैर नहीं कर सकते मगर कम ज़रूर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर आप इतने भी रखें तो आपको ऐसे ही रहने देना है। यहाँ पर लिखा है भूमि का विवरण देखें तो आपको देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर लिखा है भूमि का विवरण जोड़ें, आपको इसी बटन पर टिक कर देना, तो देखिए यहाँ पर आपकी भूमि जुड़ जाएगी। देखिए जो पहली भूमि है देखिए हमारी ऊपर है, अभी देखिए मैंने दूसरी भूमि यहाँ पर जोड़ी है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। कुल मिला के देखिए अभी मैंने जोड़ी है उसमें देखिए 10 क्विंटल 99 किलो के हिसाब से भूमि जोड़ी है, उसके हिसाब से देखिए हमारा 0.26 रकबा हो रहा है, उसके हिसाब से हमारा धान यहाँ पर 10 क्विंटल 99 किलो होगा। और दूसरी भूमि यहाँ पर जुड़ी है उसे जोड़ के यहाँ पर देखिए 15 क्विंटल यहाँ पर बर्रा जाके धान के हिसाब से यहाँ पर निकल के आया है। अगर आपको इतना ही बेचना है देखिए कम ज़्यादा हो सकता है कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा, मगर आपको अगर इतना ही है 12 क्विंटल के समथिंग है तो देखिए आपको ऐसे ही रहने देना सही है। उसके बाद अगर और भी आप अपनी ज़मीन को ऐड करना चाहते हैं तो देखिए ऐसे करके आपको ऊपर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आपको उसे फिर से ऐड कर लेना है, नहीं तो आपको ड्राफ्ट देखें एवं लॉक करें आपको इसी बटन पर टिक कर देना है। अब देखिए आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, अब यहाँ पर देखिए आपको अपना आवेदन है देखिए लॉक करना है, देखिए जब तक लॉक नहीं करेंगे तब तक आपका SDM ऑफिस यानी SDM के पास नहीं जा पाएगा, इसलिए यहाँ पे आपको लॉक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे लॉक कर देते हैं आपका आवेदन है SDM ऑफिस के लिए फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इस टर्म को एक्सेप्ट कर लेना और यहाँ पे लॉक करें, आपको इसी बटन पर टिक कर देना है। लॉक करने के लिए आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आधार से होगा लिंक, उसी पर एक OTP जाएगा, वो OTP यहाँ फिल कर देना और उसके बाद यहाँ पे आपको वेरीफाई कर देना है। यहाँ पे देखिए आपका लिखा है किसान का विवरण सफलतापूर्वक लॉक हो गया है, तो वहाँ से आपको ओके कर देना है। तो देखिए आपका डेटा है देखिए लॉक कर दिया गया है, यहाँ पे आपको एक प्रिंट वाली बटन मिल जाएगी, आपको इस प्रिंट को प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद देखिए थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके यहाँ देखिए अभी भी देखिए जो आपने ज़मीन ऐड की देखिए लंबित लिखी हुई है, अब इसे ले जाके आपको SDM ऑफिस जाना होगा, ये प्रिंट लगाना होगा, आधार कार्ड लगाना होगा और जो लैंड रिकॉर्ड आपने ऐड किया उसकी फर्द लगानी होगी, वहाँ जाके जाना होगा और वहाँ से आपको इसे लंबित लिखा है इसे सत्यापित कराना होगा। जैसे आप सत्यापित हो जाते हैं तो देखिए यहाँ से आपको एक स्लिप जनरेट कर दी जाएगी, ये स्लिप है आपको यहाँ से नीचे से फाड़ के आपको दे दी जाएगी, आपको अपने पास इसे रखने लेना है। देखिए जब आप इसे धान बेचने जाएंगे तब देखिए आपको यही स्लिप मांगी जाएगी, उसके बाद आपका धान बेचा जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप वेरीफाई हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। और उसके बाद पैसा है देखिए आपका DBT के ही थ्रू आएगा, यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने आधार से कोई एक अकाउंट NPCI मैप जरूर करा लेना है तभी आपका पैसा आ पाएगा, अन्यथा आपका पैसा रुक जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे आपका आवेदन है वो देखिए सफलतापूर्वक सबमिट हो चुका है, अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, केवल आपको SDM ऑफिस ले जाके आपको इसे वेरीफाई करा देना है। जब आप अपना धान लेके जाएं तब आप इसी पर्ची को आज साथ लेके जाएं, आधार कार्ड अपना साथ लेके जाएं और आप अपना धान सरकारी रेट में 30 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रखा है उसका आप समर्थन मूल्य ले सकते हैं। वीडियो में जानकारी पसंद आई तो वीडियो लाइक।